बच्चों आज हम लोग क्लास 6 लेसन 3 द मैजिक शो का क्वेश्चन आंसर सहित संपूर्ण एक्सरसाइज को हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने वर्ड मीनिंग और हिंदी में अनुवाद को देखा था जिसको आप लोगों ने अच्छे से समझा था। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो नहीं देखे हैं वो चेक कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाई डिड करिश्माज ग्रैनी टेक हर टू द सिटी। करिश्मा की दादी ने उसे शहर क्यों ले गई। इसका आंसर है करिश्माज ग्रैनी टुक हर टू द सिटी टू वॉच ए मैजिक शो। करिश्मा की दादी ने उसे जादू का प्रदर्शन दिखाने के लिए शहर ले गई। क्वेश्चन नंबर बी, हाउ वॉज द मैजिशियन ड्रेस्ड अप। जादूगर कैसा पहनावा पहना था। आंसर इसका है द मैजिशियन वॉज ड्रेस्ड अप ब्यूटिफुली इन अ ब्लू सूट। जादूगर ने नीले सूट में बहुत ही सुंदर पहनावा पहना था। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट केम आउट ऑफ द एम्प्टी मैजिक बॉक्स। खाली जादू के डब्बे में से क्या निकला, मतलब क्या बाहर आया। इसका आंसर है रेड पिंक ग्रीन येलो ऑरेंज कलर्ड स्टेन रिबन्स एंड पेटल्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स केम आउट ऑफ द एम्प्टी मैजिक बॉक्स, मतलब लाल गुलाबी हरा पीला नारंगी रंग का स्टेन रिबन्स जो फीते हैं और भिन्न भिन्न फूलों की पंखुड़ियां उस खाली डब्बे से बाहर आईं। क्वेश्चन नंबर डी, हु डिड द मैजिशियन कॉल टू द स्टेज। मैजिशियन ने जादूगर ने स्टेज पर किसे बुलाया। इसका आंसर है द मैजिशियन कॉल्ड करिश्मा ऑन टू स्टेज, मतलब जादूगर ने स्टेज पर करिश्मा को बुलाया। क्वेश्चन नंबर ई, विच ट्रिक डिड यू लाइक द मोस्ट। कौन सा तरीका आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया एंड व्हाई, और क्यों, मतलब जादू का कौन सा तरीका आपको ज़्यादा पसंद आया और क्यों। इसका आंसर है आई लाइक्ड द क्वाइन डिसअपीयरिंग ट्रिक। मैंने सिक्का अदृश्य होने वाला सिक्का गुम हो जाने वाला तरीका ज़्यादा पसंद किया बिकॉज द क्वाइन वॉज फाउंड इन करिश्माज पॉकेट, क्योंकि सिक्का करिश्मा के जेब में मिला, मतलब सिक्का अदृश्य हो गया और करिश्मा के जेब में मिला, ये वाला तरीका मुझको ज़्यादा पसंद आया। वर्ल्ड पावर, वर्ल्ड पावर में फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवेन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से यहाँ पे इसको भरना है। द चिल्ड्रन लेफ्ट द ऑडियंस स्पेल बाउंड विथ देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द स्कूल एनुअल डे। इसमें भरा जाएगा स्पेल बाउंड, यहाँ से स्पेल बाउंड उठाया जाएगा, इसमें फिल किया जाएगा। बच्चों ने एनुअल डे पर अपने स्कूल में अपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के द्वारा ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर दिया। बी, माई ग्रैंड मदर लिव्स इन अ विलेज। यहाँ पे भरा जाएगा विलेज, मेरी दादी माँ गांव में रहती हैं। सी, देयर वॉज ए मैजिशियन इन माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। ये मैजिशियन यहाँ पे भरा जाएगा, मेरे मित्र के बर्थडे पार्टी पर एक मैजिशियन था। डी, देयर आर मेनी कलरफुल फ्लावर्स इन द गार्डन। इसमें कलरफुल भराएगा, बगीचे में रंग बहुत से रंग बिरंगे फूल हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द गिवन सेंटेंस एंड फ्रेम सेंटेंसेज ऑफ योर ओन विद द सेम एडजेक्टिव इन द स्पेस गिवन बिलो। मतलब यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिया गया है जिसमें से एडजेक्टिव मीन्स विशेषण को पहचानना है और जो यहाँ पर खाली स्पेस दिया गया है वहाँ पर उस एडजेक्टिव से एक सेंटेंस बनाना है। आइए देख लेते हैं, यहाँ पर मैं बनाई हूँ ए, आई लव वाइट कैट्स। बच्चों मैं आप लोगों को एडजेक्टिव बता दूँ कि एडजेक्टिव वह वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। जैसे आई लव वाइट कैट्स, यहाँ पर कैट्स जो है नाउन है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, वाइट, मतलब आई लव वाइट कैट्स, मैं सफ़ेद बिल्लियों से प्यार करता हूँ, मतलब वाइट कैट। यहाँ पर वाइट जो है कैट की विशेषता बता रहा है कि ये जो कैट है वो सफ़ेद है, तो यहाँ पर वाइट एडजेक्टिव हुआ। अब वाइट से ही रिलेटेड एक अदर सेंटेंस यहाँ पे बनाना है, तो मैं बनाई हूँ
हिज बैग इज वाइट, उसका बैग सफेद है। सेकेंड, डू यू हैव ए पिंक स्केच पेन, क्या तुम्हारे पास एक गुलाबी स्केच पेन है। यहाँ पे पिंक एडजेक्टिव है, पिंक से रिलेटेड यहाँ सेंटेंस बना है। आई लाइक पिंक कलर, मुझे गुलाबी कलर अच्छा लगता है। सी, आई रीड एन इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर सेंटेंस बना है, आई एम प्लेइंग ए इंटरेस्टिंग गेम, मैं एक रोचक गेम खेल रहा हूँ। ई, ए हैवी बॉक्स इज ऑन द टेबल, एक भारी बॉक्स टेबल पर है। भारी, हैवी, यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो इसका सेंटेंस बना है, इट इज सो हैवी, यह बहुत भारी है। एफ, टीनू हैज सिक्स ट्रॉफीज, टीनू के पास छह टॉफियां हैं। टॉफियां कितनी है, छह। तो यहाँ पे सिक्स ट्रॉफी को क्वालिफाइज कर रहा है, मतलब सिक्स ट्रॉफी की विशेषता बता रहा है। तो सिक्स से संबंधित एक सेंटेंस बनाना है। आई हैव सिक्स पेंस, मेरे पास छह कलमें हैं। जी, माई मदर कुक्ड डिलीशियस लंच, मेरी माँ स्वादिष्ट दोपहर का खाना बनाई। तो यहाँ पर डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट, ये लंच की विशेषता बता रहा है कि वो स्वादिष्ट है। तो यहाँ पर सेंटेंस बना है, सी कुक्स डिलीशियस फूड, वह स्वादिष्ट खाना बनाती है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही अन्य चैप्टर्स के वीडियोज मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।